हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइज, मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो नहीं बना रहा था, मतलब कुछ काम था मेरे लिए, ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज से रेगुलर होगा, यूट्यूब पे वीडियो आएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपनी फोटो का प्रीसेट, वन क्लिक में फोटो को एडिट कैसे करें, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी नहीं करे हो तो मतलब कर लेना, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन में अपनी फोटो को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको भी अपनी लाइटरूम एप्लीकेशन में अपनी फोटो इंपोर्ट कर लेना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फोटो को अपने एडिट कर लेना है। जिस भी फोटो का आपको प्रीसेट बनाना है वो वाली फ़ोटो को एडिट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने एडिट करके रखा हो, ठीक है, पहले ही, मतलब वीडियो बहुत ही मतलब लेंथी ना हो जाए इसलिए मैंने पहले ही इस वाली फ़ोटो को एडिट करके रखा हो। तो आपको आराम से कर लेना है, ठीक है। मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ। तो ये लोडिंग हो रहा है, एक मिनट रुको, ठीक है। ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब ये पहले एडिट करके रखा हूँ मैं फ़ोटो। तो आपकी फ़ोटो एडिट हो जाने के बाद आपको मतलब पिक्सल लैब और पिक्सट की दोनों ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब पिक्सल लैब की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी अपनी मतलब फ़ोटो का जो नाम है, मतलब वो क्या बोलते उसको, टोन का नाम देना है आपको, मतलब प्रीसेट का नाम, वो वाला टाइप करने के लिए वो पिक्सल लैब की ऐप ज़रूरत पड़ेगी और पिक्सार्ट में उसको ऐड करने लगी, ठीक है। तो मिलते हैं पिक्सल लैब में, ठीक है। तो पिक्सल लैब को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद आपको जाना है न्यू टेक्स्ट पे, डबल टैप करके आपका प्रीसेट का नाम टाइप कर देना, ठीक है। तो मैं प्रीसेट का नाम टाइप कर लेता हूँ, डार्क ब्लू टोन। ना हो जाने के बाद यहाँ से ओके कर देना है, इसको सेंटर में लेके आना है, फिर अच्छी सी फ़ॉन्ट देखकर उसका मतलब फ़ॉन्ट चेंज कर देना, ठीक है। तो मैं अभी आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ इसलिए ये वाली रख देता हूँ, यहाँ से ओके कर देना है। अभी यहाँ से बैकग्राउंड में चले जाना है, इनेबल कर देना है इसका लेफ्ट पेंडिंग भी, राइट की तरफ और ये भी, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अभी यहाँ से डन कर देना है, फिर आपको डबल मतलब इधर जाना है और ट्रांसफॉर्म कर देना है, फिर इस वाली फ़ोटो को यहाँ से सेव कर देना है PNG में, ठीक है। इतना आ जाने के बाद अभी आपको यहाँ से बैक चले जाना है, ठीक है। बैक में चले जाना है, प्लस में आइकन में चिक करना है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। एंड उसके बाद अभी आपको अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब जिस भी फ़ोटो का आपको प्रीसेट बनाना है वो वाली। तो मुझे ये वाली फ़ोटो का बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लूँगा इंस्टाग्राम साइज में, ठीक है। यहाँ से रेड कर देना है। अभी ये वाली फ़ोटो को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से मतलब पूरा फिल कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी आपको अच्छे से कर लेना है, मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अपनी ये वाली फ़ोटो को लॉक कर देंगे, फिर वो जो अपने अभी अपने हमने PNG बनाई थी वो वाली PNG लेके आना है। तो हम गैलरी में जाएंगे, पिक्सल लैब PNG राइट और इसको जूम कर देंगे, ठीक है। इतना देर के बाद यहाँ से राइट कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अभी आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में चले जाना है, बाकी की प्रोसेस उधर, ठीक है। चलो, इतना हो जाने के बाद ऑल फोटो में चले जाना है एंड वो वाली फ़ोटो को ऐड कर लेना है। इस वाली फ़ोटो को ऐड कर लेने के बाद आपको जो फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, जो पहले फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये वाली फ़ोटो को इधर आ जाना है एंड इसकी कॉपी सेटिंग कर लेनी है, कॉपी ऑल सेटिंग, ठीक है। यहाँ से ऐड कर देना है एंड जो अब हमने वो फ़ोटो पिक्सार्ट से ऐड करी थी, मतलब जो एडिट करी थी वो वाली फ़ोटो को ऐड कर लेना है। पिक्सार्ट कहा गया, पिक्सार्ट
स्टार्ट कर लेना है। फोटो ऐड कर लेने के बाद थ्री डॉट पे चले जाना है एंड पेज सेटिंग, ठीक है, पेज सेटिंग कर देना है। तो गाइज वन क्लिक में देखो बिफोर आफ्टर, ये मतलब कर्व टूल में जो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं करता, तो इसलिए आपको भी आपके अगर आपके पास ये सिलेक्ट सब्जेक्ट नहीं है तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, तो मतलब प्रीमियम डाउनलोड कैसे करें, ठीक है, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ से इन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, बैकग्राउंड में, एंड उसका लाइट्स में चले जाने के बाद एक्सपोजर कम कर देना है, मतलब डार्क हो जाएगा, ठीक है, एंड ब्लैक्स को भी हल्का कम कर देना है, फिर यहाँ से राइट कर देना है, डन है। फिर यहाँ से फिर से कर्व वाले ऑप्शन पर चले जाना है, फिर ठीक है, इतना हो जाने के बाद यहाँ से रॉन्ग कर देना है, एंड गाइज अपना प्रीसेट बन के तैयार है, ठीक है। तो सिंपली आपको अभी प्रीसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, शेयर वाले ऑप्शन पर चले जाना है एंड एक्सपोर्ट एज में क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका JPG सिलेक्ट होगा, ठीक है, तो JPG हटा के DNG में क्लिक कर देना है, ये प्रीसेट का है, ठीक है, यहाँ से ऐड कर देना अभी, अभी ये अपनी फ़ोटो सेव हो जाएगी प्रीसेट में, तो यहाँ से ओके कर देना है, अपनी अभी ये वाली फ़ोटो प्रीसेट में सेव हो चुकी है, तो अभी अभी किसी को भी आप भेजोगे फ़ोटो ये प्रीसेट में चली जाएगी, ठीक है, अभी अपने ये फ़ोटो का प्रीसेट बन चुका है। तो बस गाइज, तो गाइज यही थी आज की वीडियो, मतलब वन क्लिक में फ़ोटो को एडिट कैसे करें आपने जान लिया इस वीडियो में। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, तो मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।